हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए मकर संक्रांति के ऊपर एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमें दान करना चाहिए क्या नहीं दान करना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो हमें जो है मकर संक्रांति पे क्या क्या चीज दान करनी चाहिए, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति जो है हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्योहार है। जगह जगह ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे भारत में हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति, बहुत सारी जगह पे पोंगल के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी जगहों पे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। खिचड़ी भी बोलते हैं, पोंगल भी बोलते हैं, मकर संक्रांति भी बोलते हैं, लोहड़ी भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से ये अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे आज के दिन क्या क्या चीज दान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई अचानक से आज के दिन मकर संक्रांति वाले दिन कोई जरूरतमंद अगर आ जाता है, तो उसको कभी भी खाली हाथ मत भेजिए। उसको कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए, जैसे कि पैसे हैं, कपड़े हैं, खाना है। अगर आप खाना खिला सको तो खाना जरूर खिलाइएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको दान क्या करना चाहिए। आप काले तिल दान कर सकते हैं, सफेद तिल भी दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई कोई भी चीज दान कर सकते हैं, और आप नए कपड़े भी दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, सिंगार का सामान दान कर सकते हैं। सिंगार का सामान जो है दान करने से, जैसे सिंगार है आपका, सिंगार का सामान आप मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं, या किसी अपने मान को दे सकते हैं, जैसे कि मान भांजे वगैरह होते हैं उनको सिंगार का सामान दे सकते हैं आप। अपनी ननद को दे सकते हैं सिंगार का सामान। इससे क्या होता है, हमारा सुहाग बढ़ता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सिंगार का सामान देने से सुहाग घटता है, ऐसा नहीं है। सिंगार का सामान देने से सुहाग बढ़ता है। और फ्रेंड्स, अगर सिंगार का सामान देने से सुहाग घटने लग गया, तो मंदिर में लोग बाग दान क्यों देने लग जाएंगे, पैसे क्यों देने लग जाएंगे दान। अगर ये सब चीजें दान देंगे, पैसे दान देंगे, तो ये घटेगा नहीं, ये बढ़ता है हमेशा। अगर हम इस दिन ये चीजें दान दुगने करते हैं, तो इससे हमें 100 गुना फल ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता, 100 गुना ज्यादा फल मिलता है हमें। तो हमें आज के दिन जरूर दान करना चाहिए। अगर हम ज्यादा कुछ नहीं दान कर सकते, तो जैसे कि आप किसी को खाना ही खिला सकते हैं, या किसी को खिचड़ी दे दीजिए, जैसे कि दाल चावल, मूंग की दाल चावल खिचड़ी बनती है, वो सामान दे दीजिए। पूरा उड़द की दाल है, चावल है, मूंग की दाल है, कोई भी दाल दे सकते हैं, सारी दालें भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। लेकिन क्या चीज नहीं देनी आपको, कंबल नए दे सकते हैं, नए दे सकते हैं कंबल खरीद के, लेकिन पुराना कंबल नहीं देना आपको, पुराना कंबल नहीं देना आपको। अगर आपके घर में कोई पुराने कपड़े पड़े हैं, तो वो आज के दिन संक्रांति वाले दिन बिल्कुल बाहर ना निकालें, बिल्कुल दान ना दें। और अगर आपके घर में झाड़ू, मतलब झाड़ू वगैरह दान किसी को नहीं देनी चाहिए हमें आज के दिन। स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन दान नहीं देने चाहिए हमको। जो चीज दान नहीं देनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन दान नहीं देने चाहिए। जो हमारा बचा हुआ तेल होता है घर में, जो हम यूज करते हैं खाने वगैरह में, वो हमें दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए आज के दिन। हम सोच रहे हैं कि ये पड़ा है, इसको दान कर देते हैं, नया ले आएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमें नया ही खरीद के देना चाहिए, घर में इस्तेमाल करा हुआ बिल्कुल नहीं देना चाहिए हमको। और दूसरी तीसरी बात है कि हमें झाड़ू तो मैंने बता ही दिया आपको। और पुराने कपड़े, जो हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं, कभी भी दे सकते हैं आप किसी को भी, लेकिन संक्रांति वाले दिन पुराने कपड़े आपको बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संक्रांति वाले दिन सोचते हैं कि पुराने कपड़े पड़े हैं, इन्हीं को दान कर देते हैं। पुराने कपड़े बिल्कुल नहीं दान करने चाहिए हमें अपने, हम किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन संक्रांति वाले दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे कि कोई बुजुर्ग महिला है या कुछ है, तो उनको खाना खिलाए मंदिर में जाके, कपड़े उनको नए दे दें, कंबल दे दें। अगर आप सर्दी है, सर्दियों में कंबल देंगे, जितना भी यूज करेंगे आपकी दी हुई चीजों को, उतना ही आपका दुगना बढ़ेगा। उतना जितना जो आप सामान दोगे, उसका दुगना 100 गुना ज्यादा बढ़ के आपके पास आएगा, जितना वो इस्तेमाल करेंगे उन चीजों को। तो ऐसी ही चीज दीजिए जो वो इन दिनों में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। कंबल वगैरह, रजाई वगैरह अगर दे सकते हो तो वो भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग तो पजेब वगैरह भी, जैसे पजेब है, लौंग है, सोने की ज्यादा सामान देने की गुंजाइश रखते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे सोने चांदी की चीजें भी देते हैं दान में, चांदी के सिक्के भी देते हैं दान में। लेकिन अगर आप ये सब चीजें नहीं दे पा रहे हो, तो छोटी मोटी चीजों का दान आप कर सकते हो, जैसे कि खिचड़ी है, कंबल है, कपड़े है, साड़ी है, और तिल के बनी हुई व्यंजन है, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति वाले दिन हमें जो है सुबह जल्दी उठ के, अगर आप 5 बजे उठ सकते हो तो 5 बजे उठ के आपको स्नान कर लेना है। और आपको अगर आपके आसपास कोई तालाब है या फिर कोई नदी वगैरह है, आप वहां पे भी स्नान करके आ सकते हैं। अगर वो संभव नहीं है, तो आप घर में ही जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए पानी में, और इस दिन जो है ठंडे पानी से नहाना होता है। जैसे कि बुजुर्ग वगैरह होते हैं, बीमार होते हैं, वो गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन इस दिन जो है वैसे ठंडे पानी से नहाना होता है। अगर आप सही सलामत है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप ठंडे पानी से नहाइए। और पानी में जो है हमें तिल के कुछ दाने डालने हैं, और सफेद तिल जो होते हैं उनके दाने डाल लीजिए, और जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल के आपका गंगा स्नान हो जाएगा, स्नान हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको जो है मंदिर में पूजा पाठ करना है, जैसे आप करते हो रोजमर्रा में। उसके बाद आपको सूर्य देवता को
जल देना है। जब सूरज निकल रहे होते हैं सुबह सुबह, जो किरणें होती है, ताजा सूरज एकदम से निकल रहे होते हैं सुबह जल्दी में, 6 बजे के आसपास निकल जाते हैं, तो जब वो किरणें दिखाई देती हैं तभी आपको जल दे देना है सूरज पे, और सूरज मंत्र पढ़ना है, सूर्य देवता का मंत्र पढ़ना है, जो मंत्र जो हम पढ़ते हैं जल देते वक्त। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तिल चटकाने हैं सबसे पहले अपने घर में। तिल चटकाने के बाद आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि जो है पहला खाना हमारा खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी ही बनती है, हमें जो है मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी ही बनानी होती है, तो सबसे पहला खाना आप खिचड़ी ही बनाइए। आप मूंग की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, कोई भी दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी ही बनानी होती है पहला खाना में। आप उसके बाद कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तिल चटकाने होते हैं। उसके बाद आप दान पुण्य कीजिए, अगर आपके घर में कोई जरूरतमंद आया है तो आप उसको दान करिए, खाना भी खिला सकते हैं, कोई भिखारी आया है आपके दरवाजे पे आप खाना खिला सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके मकर संक्रांति अपने घर में आराम से बना सकते हैं, मंदिर जाके पूजा पाठ करिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या दान करना चाहिए क्या नहीं, ये सब मैं बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।